वहीं दुर्ग निगम आयुक्त ने अमृत मिशन फिल्टर प्लांट में किए जा रहे कार्यों का लिया जायजा। उन्होंने फिल्टर प्लांट में स्काडा सिस्टम एवं वाटर सप्लाई के संबंध में अधिकारियों से ली जानकारी। दुर्ग में नव पदस्थ आयुक्त प्रकाश सर्वे ने सुबह सुबह सभी अधिकारियों के साथ नगर निगम के अमृत मिशन योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों के साथ साथ 24 एमएलडी एवं 42 एमएलडी फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने फिल्टर प्लांट में स्काडा सिस्टम एवं वाटर सप्लाई के संबंध में सभी अधिकारियों से जानकारी ली। टंकियों की सफाई समय सीमा के अंदर करवाने हेतु निर्देशित भी किया। उसके पश्चात उन्होंने शंकर नगर नाला संतराबाड़ी वार्ड क्रमांक 26 में बन रहे पुलिया निर्माण कार्य के साथ साथ दुर्गा चौक वार्ड क्रमांक 10 में शंकर नगर नाला के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। आयुक्त प्रकाश सर्वे द्वारा नगर निगम में चल रहे निर्माण कार्यों का निरंतर दौरा कर जायजा लिया जा रहा है। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया भी उन्होंने दी है। क्योंकि बरसात का मौसम है, पानी चालू हो गई है और नदियों में जो पानी आती है तो बरसात में जब पानी कलर चेंज हो जाता है तो फिल्टर प्लांट का निरीक्षण में दिखने आए एलम और जो उसमें जो डोजिंग किया जाता है तो डोजिंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पानी का सैंपल का टेस्टिंग कैसे हो रहा है, ठीक से टेस्ट हो रहे हो रहा है, सब चीज़ों का निरीक्षण किया गया है और केमिस्ट को निर्देशित किया गया। बरसात में हर 3 टाइम का सैंपल ले जहाँ सप्लाई हो रही हो एंड जो पॉइंट प्रॉपर हम मॉनिटरिंग करते हैं। नगर पालिक निगम दुर्ग में बतौर आयुक्त पदभार संभालने के बाद प्रकाश सर्वे द्वारा लगातार क्षेत्र में चल रहे कार्यों की मॉनिटरिंग स्वयं की जा रही है, जिससे कार्यों में गति भी देखने को मिल रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।